हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है देखिए अगर हम बात करें निफ्टी की निफ्टी यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्टरी में यहाँ पर बंद होता हुआ दिखाई दिया है या फिर कह सकते हैं यहाँ पर फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई दिया है बट अगर हम अपने स्टॉक्स को देखें तो हमारे स्टॉक्स यहाँ पर गिरते हुए दिखाई दिए हमें अगर हम देखें पिछले एक वीक से लास्ट वीक से हमें लॉस होता हुआ दिखाई दिया है कंसिस्टेंट यहाँ पर लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज के दिन अगर देखे तो वो लॉस और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बट अगर निफ्टी देखते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई देता है तो इसका कोई इससे हमारे स्टॉक से रिलेशन है यानी उससे रिलेटेड भी बातें करेंगे और जानेंगे कि हमारे स्टॉक्स हम किस तरीके से अपने स्टॉक्स को चेक करना चाहिए कि वो स्टॉक्स स्टॉक्स जो हमने खरीदे हैं वो अच्छे स्टॉक्स है या नहीं है हम, आ, तो उसी के बेस पे हमें पता चलेगा कि कंपनी हमारी जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट कर रखा है वो कंपनी बेहतरीन है या नहीं है क्योंकि हमने जब स्टॉक्स को पिक किया है तो हमने किसी ना किसी बेस पे उस स्टॉक्स को पिक किया है हमने ऐसे ही किसी को भी स्टॉक्स को नहीं उठाया है मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि किस कंपनी में यहाँ पर रहने लायक ही नहीं है किस कंपनी में यहाँ पर आप विश्वास करके चल सकते हो कौन सी कंपनी यहाँ पर अच्छी चल रही है और कौन सी कंपनी यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्म कर रही है तो तीन चार तरीके का यहाँ पर टाइप्स होते हैं कंपनी के तो उस तरीके से आपको समझना होगा वो चीज कैसे समझी जाएगी किस तरीके से आप उसे एनालाइज कर सकते हैं और इसी तरीके से आप अपने जो स्टॉक्स है जो आपने स्टॉक्स ले रखे हैं उसे भी आप उसी तरीके से यहाँ पर एनालाइज करके एक बार देखिएगा क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे है जो आपने शायद अपने पोर्टफोलियो में बेकार ले रखे है उन्हें यहाँ पर बेचना बहुत जरूरी हो जाता है कोई भी यहाँ पर बाइंग आती है उसमें तो और बट अगर कोई अच्छा स्टॉक्स है और वो गिर रहा है तो वहां पर खरीदना अच्छा हो जाता है क्योंकि वो नीचे के लेवल पर आपको सस्ते में मिल रहा है तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस मिलती रहे और यहां पर बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रेडिंग डिमेट अकाउंट में क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए कल की डेट में यहां पर इसी तरीके की वीडियो यहां पर बनाई गई थी पर इन वीडियो को जाकर

तो क्या हमें ऐसे स्टॉक्स में निकल जाना चाहिए क्या हमें एग्जैक्टली exactly करना क्या चाहिए उससे रिलेटेड ये वीडियो है और मैं उस आपको बताऊंगा कि आपके पास अच्छी स्टॉक्स है या आपके पास बेकार स्टॉक्स है आपको उन स्टॉक्स में निकल जाना चाहिए आपको खुद की अपने स्टॉक्स को देखना चाहिए कि हमारे स्टॉक्स किस तरीके से है और हमें इन स्टॉक्स में निकलना चाहिए या बने रहना चाहिए या उसमें बायोन डिप्स करना चाहिए ताकि हमें एक एवरेज प्राइस निकल के आए और जब वो शेयर भागे तो हमें अच्छा खासा रिटर्न देते हुए नजर आए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसा कोई स्टॉक अभी तक

हाँ देखिए यहाँ पर दे रखा है तो अगर हम देखेंगे तो ये यह गिरावट यहाँ पर कब से चालू है तो ये गिरावट चालू हुआ है चार अगस्त से मतलब चार अगस्त से लेके अभी तक की बात करें तो लगभग पाँच से छह दिन लास्ट वीक पूरा और यहाँ पर दो दिन ये हो गए तो लगातार यहाँ पर गिरावट और आज के दिन गिरावट और ज्यादा होती हुई नजर आई थी बट लास्ट में यहाँ पर रिकवरी होती हुई नजर आई है क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट आई थिंक यहाँ पर जो यहाँ पर जो सपोर्ट था यहाँ पर लेती हुई कंपनी ये मिड कैप नजर आई है बट यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको अपने स्टॉक्स को एनालाइज करने की जरूरत है क्योंकि आपके स्टॉक्स मैटर करते हैं ना कि पर कोई ये, आ, की इस गिरावट हो तो यहाँ पर, तो पर हम कुछ बातों का पर ध्यान देंगे, एक चीज को हमेशा याद रखिएगा जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ क्योंकि तो उसी के बेस पर आपको पता चलेगा की आपके पास बेहतरीन स्टॉक है या नहीं है तो देखिए सबसे पहले चार तरीके के स्टॉक्स मैंने यहाँ पर लिए सबसे पहले अगर हम बात करें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इसका सबसे पहले हम मैक्सिमम पे जाएंगे गूगल पे और हम देखेंगे इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको कुछ कहता हुआ नजर आएगा क्या कहता हुआ नजर आएगा कि यहाँ पर जो ये कंपनी है ये कंपनी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दी है इस कंपनी का कोई भविष्य नहीं है जहाँ पर ये कंपनी लिस्ट हुई थी उसके आस भी ये कंपनी आती हुई दिखाई नहीं दे रही तो ऐसी कंपनी में हमें नहीं रहना है और कुछ पैरामीटर हमें किस तरीके से चेक करने हैं तो उसके कुछ पैरामीटर हमें इस तरीके से चेक करने कि हमने यहाँ पर स्क्रीनर पर मनी कंट्रोल चेक करने बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देगी स्मॉल कैप कंपनी है तो इसलिए यहाँ पर गिरावट है दूसरी बात करें प्लेजिंग तो प्लेजिंग नाइनटी प्लेजिंग है ये चीज आपको देखनी पड़ेगी प्रोमोटर्स ने अपने शेयर यहां पर बेच रखे इसके अलावा यहां पर फाइनेंशियल देखेंगे तो फाइनेंशियल यहां गिरते हुए नजर

तो मुझे नहीं लगता कि एक आध शेयर से रिलेटेड एक आध शेयर भी हमने रिस्की बैठ ली होगी बाकी हमने जितने भी शेयर यहाँ पर बताए हैं यहाँ पर वीडियो सेक्शन है यहाँ पर चले जाइएगा एक, एक एक शेयर ऐसा बताया गया है आपको कि आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ बेहतरीन शेयर है और हमें ऐसे शेयर में यहाँ पर बेचना नहीं है ऐसे शेयर में हमें बाय ऑन डिप्स करनी है मैंने आज भी एक भी शेयर नहीं बेचा मैंने अगर किया है हाँ बेचा है मैंने बैंक का शेयर बेचा है आईसीआईसीआई बैंक बेचा है बट अगर बात करें प्रॉफिट में बेचा है और दूसरे शेयर जो नीचे डिप्स पर मिल रहे

और यहाँ पर कुछ इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर अगर बात करें करंट इसकी बुक वैल्यू भी ऐसी है मतलब उसके जैसी नजर आ रही है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बट यहाँ पर बहुत सारी चीजें चेंज हुई है सबसे पहले यहाँ पर कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है कंपनी घाटे से देखिए धीरे धीरे यहाँ पर घाटा कम किया और यहाँ पर अब यहाँ पर पॉजिटिव प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर कंसिस्टेंट यहाँ पर परफॉर्मर पर रही है ये कंपनी इसके अलावा नेट प्रॉफिट जो कभी घाटे में यहाँ पर बीच में आया करता था वो अब पॉजिटिव आना शुरू कर दिया है इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर देखिए रिजर्व जो कभी घाटे में थे अब यहाँ पर पॉजिटिव रिजर्व्स हो गए हैं यहाँ पर बोरिंग की बात करें जहाँ पर छब्बीस करोड़ और बत्तीस करोड़ की बोरिंग थी कंपनी ने यहाँ पर अपनी बोरिंग कर चुका दिया और यहाँ पर केवल बावन किसो सत्रह करोड़ रुपए की ही बोरिंग रह गई है जो की धीरे धीरे कंपनी पर चुका रही है और यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में पैसा लगा रखा है क्योंकि कंपनी कंपनी का बिजनेस बिजनेस ऐसा है है को पता ये मेरा अगर मैं यहां पर फ्रॉड कर दूंगा निकल जाऊंगा या इस तरीके से बढ़ाऊंगा कोई भी यहां पर आएगा नहीं कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा बट अगर यहां पर मैं अपनी अपनी ही कुछ अगर मेरे पास पैसे है फिक्स एसेट है उसे बेच के मैं कंपनी को अच्छा कर दूंगा जो कि यहाँ पर इसने किया है बेच के यहाँ पर कंपनी को अच्छा कर रहा है और यहाँ पर कंपनी को अच्छा कर देगा तो यहाँ पर सब चीज अच्छी होती हुई नजर

अभी तक आई नहीं है ओके okay, अपने ऑल टाइम हाई से तो बड़ी बड़ी दूर है ये अभी तक बट अगर हम बात करें पिछले पांच साल की तो पांच साल का परफॉर्मेंस इसका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है कंसोलिडेशन फेज में रहा है और उसके बाद एक अच्छी खासी जंप रही है बट यहाँ पर अगर मैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए मॉर्पन लैब हमने यहाँ पर निकाला तो देखिए सबसे पहले कोई प्लेजिंग नहीं है ओके यहाँ पर डेट फ्री लगभग कंपनी है आर ओ सी तेईस परसेंट का है पीई काफी उनतीस के पीई पे मिल रही है बुक वैल्यू तो नहीं आप करंट प्राइस देखें यहाँ पर फिफ्टी सेवन का यहाँ पर करंट प्राइस यहाँ पर चल रहा है ओके अच्छे लेवल पर मिल रही है यहाँ पर टू हंड्रेड डी एम ए के आसपास यहां यहाँ पर कंपनी आ गई है इसके अलावा हम बात करें और भी कुछ चीजों की तो यहाँ पर देखिए सेल्स एवं यहाँ पर प्रॉफिट दे रहा है ईयरली बेसिस पर बात करें तो यहाँ पर देखिए इयरली बेसिस पे यहाँ पर, पर कंपनी काम करती तो हुई नजर आ रही है यहाँ पर देखिए चार दस साल यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम निकालते हैं तो देखिये कंपनी यहाँ से लेके दो से लेके ओके okay, यहां पर नौ से दस साल कह सकते हैं कि यहां पर कंपनी परेशानी में थी कंपनी ने घाटा ही घाटा दिया बट अगर बात करें दो से ओके okay, यहाँ पर अभी की तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है तो यहां पर से कंपनी का परफॉर्मेंस देखना है तो हम यह, यहां से ही देख रहे हैं दो से परफॉर्मेंस देख रहे हो और दो से यहां पर कंसिस्टेंसी देखिये चार्ट पैटर्न पिछला कैसा था हमें उससे मैटर नहीं है कंपनी अभी क्या कर रही है उससे मैटर है तो अगर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट जहां पर छह करोड़ का घाटा था एक सौ आठ करोड़ के प्रॉफिट में और कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर प्रॉफिट

मतलब कंपेयर अगर बात करें जेपी से यहाँ पर कम है बट यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है हमने पिछले दस साल का परफॉर्मेंस देखा है कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है तो आगे हमें इस पर बिलीव करना चाहिए यहाँ पर ये यही कंपनी शायद यहाँ पर कल्चर जाके मल्टीपैगर बन जाए और यहाँ पर ये पचपन का स्टॉक पचपन सौ का हो जाए तो आपको कुछ नहीं पता क्योंकि परफॉर्मेंस पे सब चीज मैटर करती है इसके अलावा बात करें एक और कंपनी इन्फोसिस मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन बट ये आ, अगर बात करें जितना इसने एक साल में अगर देखते हैं देखिए एक साल में कितना परसेंट के रिटर्न दिए 76 परसेंट के मॉर्पन की हम बात करते हैं तो एक साल में कितने परसेंट के दिए 133 तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है तो यहाँ पर रिवॉर्ड ज्यादा है और यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर रिस्क कम है तो यहाँ पर रिवॉर्ड कम है और यहाँ पर अगर यहाँ पर आ जाते हैं एक साल का चार्ट पैटर्न तो यहाँ पर बोल यहाँ पर तो इतना नहीं बट दूसरे स्टॉक्स ऐसे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने आपके एक साल में पैसे कितने किए एक साल में पैसे आपके तीन गुना किए आप

के प्रमोटर्स भी अच्छे खासे एफ आई डी ने भर के अपने शेयर ले रखे तो आपको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिहेव करना है और समझना है कि एक्जेक्टली exactly आपकी कंपनी कहाँ पर स्टैंड करती है आप अगर आप ये सब चीज आप पर समझ जाएंगे और आपको पता है कि हमने अपनी स्टडी के हिसाब से अपने शेयर लिए है मॉर्पन लैब देखिए यहाँ पर अगर एक महीने की बात करूं अच्छा खासा यहाँ पर गिर चुका है कितना गिर चुका है लगभग अगर मैं यहाँ पर जाकर देखूँ बाईस से तीस बाईस से तेईस परसेंट गिर चुका है बट यहाँ पर हम मैं अगर बाता हूं तो हमने यहाँ पर बीच में यहाँ पर एंट्री ली थी फिर उसके बाद यहाँ पर भी हमने आज की डेट में भी उठाया क्योंकि हमें पता है इसके रिजल्ट बेहतरीन आ रहे हैं